जी बाबा सारा किचन तोड़ दिया आपने तो अपना। हाँ जी। कैसा फील हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है। अपने काम में कोई शर्म नहीं भाई। बाबा वेरी गुड। मेरी भाभी ने बनाया आपकी बहू, आपकी बहू, आपकी बहू या रामेश भाई की वाइफ ने नहीं, मेरी भाभी ने बनाया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बरानी रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है, बिकॉज मैं कल गया हुआ था लाहौर और पीछे से जो सारा सिस्टम चल रहा था उसका व्लॉग बना रहा था अली। सो क्या अपडेट्स चल रही थी, क्या हो रहा था, तो पहले जाके देखते हैं कि अली ने कल क्या बनाया और बाबा जी ने अपना सारा किचन क्यों तोड़ दिया, उसके बाद फिर मिलते हैं। अले अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा काम आपका? तो वो वाला किचन ये रहा ही नहीं, ये तो कुछ और ही आपके सामने है। नहीं तो आपने नीचे बनाना है इसके, क्या करना है आपने, ये तोड़वाया क्यों है सारा? मेरा पहला सवाल ये है आपसे। अच्छा, नया तैयार हो रहा था। अच्छा, तो इसको क्या तोड़वाने की जरूरत थी? इसमें नहीं होता था कवर? इसमें कवर नहीं होता था। अच्छा, ये लें जी, मुखलिस लगा हुआ है उधर, हमजा इधर, ये सारा कुछ टूट गया हुआ है सारा कुछ। और इसका कुछ सामान ये रहा, मार्बल का पीस जो था, और ये रहा दूसरा सामान बाबा का। इसके अंदर काफ़ी सारा सामान, सारा इसी के अंदर आया हुआ है मेरे ख्याल। ऊपर ना कपड़ा दे दिया ताकि सामान ना गंदा ना हो। इधर आगे मिसाले, एक ये विंडो यहाँ तक थी, बड़ी थी काफ़ी ना, तो हमने इसको छोटा करवा दिया यहाँ तक। जो डिज़ाइनर है ना हमारे, वो डिज़ाइन में ना विंडो छोटी आ रही थी, तो हमने इसको ना छोटा करवा दिया। ये सीन कल हुआ था, और बाकी यहाँ से भी उतर गई हैं कैबिनेट्स, निचली सारी उतर गई हैं, बाकी ये रह गई हैं उतरने वाली। और ये जो डीपी बॉक्स है जिसको, जिसमें कनेक्शन होते हैं सारे, ये यहाँ से निकल के और ये आ जाएगा इधर बाहर। इधर भी विंडो थी छोटी सी, वो भी बाबा ने ख़त्म करवा दी ताकि अंदर ये वाला सिस्टम हो ही ना। और इधर कैबिनेट्स उतर रही हैं और साथ में बाबा भी लगे हुए हैं काम में, माशाल्लाह से। अपने काम में कोई शर्म नहीं भाई। बाबा वेरी गुड। मैंने भी दिल में कराया, तो एक क्लिप मैं ऐड कर दूँगा।
ये हालत हो चुकी है इस टाइम जी। बाबा सारा किचन तोड़ दिया आपने तो अपना। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है क्योंकि काफी सालों से हम यहाँ पे इस किचन में रेसिपियां बना रहे हैं। हाँ जी। और आपने इसी किचन से हमें पसंद किया, हमारी रेसिपियों को पसंद किया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप इसको थोड़ी सी न्यू लुक देना चाहते हैं, ताकि मैं बड़ा तंग होता था यहाँ पे काम करते हुए, कुकिंग करते हुए, इसलिए हमने कहा इसको थोड़ा सा चेंज किया। लेकिन दुख हुआ है ना? बहुत ज्यादा हुआ, दुख हुआ है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपी ने बनाया है चिकन शोरबे वाला। अच्छा आंटी, वो ना उसकी वजह से बंद की हुई है गैस ना। और इधर राइस, आई थिंक आलू वाले। काम सारा यूं ही पड़ा हुआ है, बर्तन यूं ही पड़े हुए हैं क्योंकि वो ऊपर काम हो रहा है उसकी वजह से ना, वो बंद किया हुआ है पानी, तो जिसकी वजह से बर्तन अभी तक पड़े। और अभी हो गया है मगरिब का टाइम, मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, देन मैं फिर अपना काम करूँगा। नमाज पढ़ के मैं हो चुका हूँ फ्री, और अब मैं करने लगा हूँ बाबा जाने की वीडियो एडिट टिकटॉक के लिए। और आप सबको एक गुड न्यूज़ ये भी देता चलूँ, जिन लोगों को नहीं पता कि अब टिकटॉक पे आप 10 मिनट की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। सब आके मेरा थैंक यू बोले जिनको नहीं पता था। पहले सिर्फ 3 मिनट की वीडियो अपलोड हो सकती थी, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, मुझे तो आती थी और किसी का पता नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी रेसिपी को शॉर्ट करना, वो भी 3 मिनट में, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी और टाइम भी काफ़ी लगता था। सो थैंक यू टिकटॉक जिन्होंने 10 मिनट टाइम कर दिया वीडियो अपलोडिंग का। सो उससे काफ़ी चीज़ें ईजी हो चुकी हैं। मैं बाबा के अकाउंट का लिंक नीचे दे दूँगा। अभी भी शॉर्ट रेसिपीज़ ही आ रही हैं, उसमें यह है कि 3 मिनट से बढ़ गया टाइम, 3.5 मिनट, 4 मिनट हो सकता है, बट वो फिर भी बड़ी बड़ी रेसिपीज़ नहीं है। तो आप अगर रमज़ान भी आ रहा है तो आप जाके इजी रेसिपीज़ देख सकते हैं फटाफट से। तो मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। काम करके मैं हो गया था फ्री, और मैंने आप ही को कहा कि मुझे ना खाना दें, और दें भी अपने हाथ से। आए 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 बजे यार, आलू ना डालना बस, ठीक है? तो इसी में अगर मुर्गी डल जाती तो क्या हो जा रहा था? सालन में क्या बनता फिर? सालन में आलू, आलू इसमें, इसमें डल जाती मुर्गी, चिकन डल जाती और आलू आप अलग से बना लेती, तो कैसा कम्बिनेशन हो जाता है। और इसको हम यहाँ से उतार के इधर रखेंगे, डालना शियोरा, थोड़ा सा शियोरा ऊपर ही डालना। हाँ हाँ बस, बोटिया अम्मी को बताऊंगा, मुझे बोटिया नहीं दी और अम्मी यकीन करेगी। एक बोटी और 3 बोटरियाँ हो गई हमारे पास। नाजरीन ग्रामी, आप देख सकते हैं कि मेरी भाभी मुझ पे कितना जुल्म करती हैं, खाने के लिए कुछ नहीं देती। अभी और अभी फिर आप ही कहेंगे कि अब इसको हम खाने के लिए नहीं देते, तो इसकी ये हालत है, अगर खाने के लिए दे दे फिर क्या बनेगा। बात ये अभी हम खाना खाएंगे और साथ में हम मैच इंजॉय करेंगे, मैच भी लग गया होगा। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, और अब हम ट्राई करेंगे कि राइस कैसे बने हैं। यार बहुत टेस्टी बने हैं सीरियसली। और इस व्लॉग में मम्मा और भाई क्यों नहीं नज़र आ रहे? मम्मा का था चेकअप, तो मम्मा और भाई गए हुए हैं लाहौर। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मम्मा जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं, माशाल्लाह। और मैं अभी खाना खाते हुए जिक्र कर ही रहा था भाई लोगों का, और वो देखें सामने माशाल्लाह आ भी गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी लंबी उम्र है मम्मा की भी, भाई रामिश की भी, और शान भाई की भी, माशाल्लाह। हम सर वेलकम, सर आ गए आप, वालेकुम सलाम, कैसा रहा सफ़र? और मम्मा की तबीयत? हाँ मम्मा, मम्मी कह रही है टांग ही थकी है। अच्छा वाह, आपकी तबीयत चेक करें अब ऊपर, जो आप काम दे के गए थे वो हुआ कि नहीं? ओके, हाँ जी सारा कुछ हट गया। बाबा बैठे हैं, हाँ जी बाबा बैठे हुए हैं, बाबा सुबह से ही बैठे हुए हैं। खाने का बताएं, खाना ओके, अभी खाना लगवा देते हैं जी। ऊपर हो रही है जी मेहनत, किचन सारा बाबा जी का टूट चुका है, और घर आते ही हमारे लिए यहाँ पे खाना लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में हमारे पास है गाजर और आलू वाली पुलाव और रायता, साथ खूबसूरत सा सैलड, और यहाँ पे है चिकन शोरबे वाली। डालने हमें बिस्मिल्लाह पढ़े, मतलब कैसे बहु मिली फिर? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया किंजा साहबा, बहू साहबा। अब हम करते हैं प्लॉट ट्राई, वैसे ट्राई मैंने कर ली हुई है। अच्छा, तुमने कर भी ली? आपके सामने ट्राई दोबारा कर लेते हैं। अच्छा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
मेरे चावल खाने नहीं थे। परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। गला खराब है। वाह क्या वालदा मजेदार मजेदार। और यहाँ पे हो रहा है खाना एंजॉय। शान भाई भी आ गए, जो मैंने खाया है वही सब खा रहे हैं। वाह 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 वाह। साहब अम्मा कैसा लगा खाना? मेरी भाभी ने बनाया। आपकी बहू, आपकी बहू, आपकी बहू या रामेश भाई की वाइफ ने नहीं, मेरी भाभी ने बनाया। सारा सारा क्रेडिट मुझे जाता है। अब सिर्फ देखना ये है जी कि जब अली की वाइफ आएगी। अच्छा एडी तो काकी तो मेरा भी गला खराब हो रहा है और सबका ही हल्का फुल्का सो जाना, वो तबीयत आवाजार सी है फिर मौसम की वजह से। अच्छा आप खाना खाएं, बिस्मिल्लाह करें। जी जी बिस्मिल्लाह करें। आप कल जो है वो यहाँ पे जो स्लैब्स थी वो उतर गई थी, ऊपर वाले जो कैबिनेट थे वो उतर गए थे, और उसके बाद हमारे पास बच गई थी यहाँ पे मार्बल लगी हुई थी, टाइल कहते हैं क्या, मार्बल पत्थर, तो आज वो उतरा है। उसके अलावा ये पाइप जो है, ये गैस का पाइप पहले ओपनली जा रहा होता था पीछे से, ये अंडरग्राउंड हो चुका है, और अभी जो है ये निशान छोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है वो बिजली के कनेक्शन हमने छोड़ने हैं, और ये सारी अपडेट है। नीचे से ये सारा तोड़ना है, और बहुत बहुत छोटा सा काम सोच के हम कर रहे थे और ये इतना बड़ा हो गया, हमने सोचा नहीं था इतना वध नहीं गया काम। वो बोर्ड फोड़ के इधर आया वो वाला, इधर आना है। अच्छा वो डीपी बॉक्स बाहर चला जाना, ठीक है। इतने विंडो उत्ते कर दी, ये पहले यहाँ तक थी विंडो, इसको यहाँ से ऊपर कर दिया गया। वाह भाई वाह, ये सारा मुखलिस ने किया, क्योंकि मुखलिस जो है वो मिस्त्री भी है, काबिल मिस्त्री है। सो ये थी आज की अपडेट्स। इसके अलावा जो अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, जो भी कुछ होता है। तो आज तीसरा दिन है और ये सारा काम हो रहा था। बाबा जी सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या क्या काम हुआ है अब तक। अब तक काम ये हुआ है कि सबसे पहले तो इस विंडो को, जो नक्शा था हमारे स्टूडियो का, उसमें ये विंडो छोटी थी, इसको हमने काम किया है, ठीक है। दूसरा हमने जो बोर्ड थे जहाँ जहाँ पे नक्शे वाले ने बताए थे, नक्शे में आ रहे थे, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, और ये तीन पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, तीन यहाँ पे आ रहे हैं, तीन उस वाल पे आ रहे हैं, एक बोर्ड वो आ रहा है, एक उसके साथ आ रहा है, डीपी बॉक्स वायर जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो था, ये जो हमारे थे ठंडे पानी, ठंडे और गर्म पानी की सैवरेज का जो मसला था, वो ये था कि ये यहाँ पे था थे पॉइंट, क्योंकि वो जो पहले से हमारा सिंक बना हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे थे, अब जो नक्शे में थे वो नीचे डाउन थे, वो हमने डाउन करा दिए। और तीसरा जो था, यहाँ से हमारा एक पाइप गुजर रहा था गैस का, जिससे गीजर ऑन होता था, अब वो पाइप भी अंडरग्राउंड करवा दिया यहाँ से, ताकि नजर ना आए, क्योंकि इस सब वाल पे जो है ना डिकोर होना है, काम होना है, इसीलिए हमने ये तमाम को प्लान कर दिया। अब बाकी सारे काम आपके कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं, अभी नीचे से यहाँ पे देखें, ये बन रहा है नीचे से, यहाँ पे जो फुमाइश उन्होंने बताई थी उस हिसाब से बेस जिसे कहते हैं, उसके बाद ये खुश्क होगा, खुश्क होने के बाद इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो अपनी वायर वगैरह डालेगा इनमें जहां जहां से उसने वायरिंग की है, उसके बाद फिर पेंट वाला आएगा, वो पेंट करेगा, पुटीन भरेगा, इसको सफाई करके फिर पेंट करेगा, पेंट करने के बाद फिर ये तैयारी की तरफ जाएगा, फिर किचन आके सेट होगा इसमें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो हमारा किचन है उसका जो 3D मैप है हमारे पास, या जो न्यू डिजाइन है वो हम आपके साथ जरूर शेयर करें। हमारा जो सिविल वर्क है वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तमाम चीजें 80% कंप्लीट हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह हमारा किचन जो है वो न्यू बहुत 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 खूबसूरत होने वाला है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में मेरे हिसाब में आज से पहले ऐसा किचन नहीं बना, मतलब स्टूडियो के लिए जहाँ पे वीडियो शूट होती है, वैसे तो लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए होंगे किचनों पे, बट एज अ स्टूडियो हमारा किचन, हम कोशिश कर रहे हैं कि दी बेस्ट किचन जो है वो हम बनाएं इंशाल्लाह। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किचन के न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, कैसा बन रहा है, क्या कुछ लग रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो के साथ। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के पान। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, रामेश रिजवान CH।